हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है पल्स एंड स्क्वायर वेव सर्किट्स। इससे पहले हमने देख लिया कि पल्स और स्क्वायर वेव में क्या डिफरेंस होता है और पल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और टर्मिनोलॉजी क्या क्या होती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि पल्स एंड स्क्वायर वेव जनरेट करने के लिए कौन कौन से सर्किट यूज किए जाते हैं। मेनली टू टाइप के सर्किट यूज किए जाते हैं, पेसिव सर्किट और एक्टिव सर्किट। पेसिव सर्किट में हम क्या करते हैं, साइन वेव जनरेटर लेते हैं और साइन वेव जनरेटर के आउटपुट को शेप में लेकर आते हैं। इनको हम पल्स शेपिंग सर्किट भी बोलते हैं। मतलब कि हमारे पास जो मेन ऑसिलेटर्स हमने पढ़े हैं, साइन वेव ऑसिलेटर्स, उन्हीं को हम लेते हैं और उसके आउटपुट में हम जो है वो एक और सर्किट लगा के उसको है ना हम शेप में लाते हैं साइन वेव को। ठीक है, दूसरा होता है हमारा एक्टिव सर्किट। इसमें हम जो है ब्लॉकिंग ऑसिलेटर और द रिलैक्सेशन ऑसिलेटर जिनको कहा जाता है वो यूज करते हैं। और सबसे फेमस जो होते हैं मल्टी वाइब्रेटर्स, हम इसमें मल्टी वाइब्रेटर्स यूज करते हैं। तो पल्स शेपिंग सर्किट में हम क्या करते हैं कि साइन वेव लेते हैं ऑसिलेटर से और उसको हम एक जो है पल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो जो पल्स का एम्पलीट्यूड होता है वो साइन वेव के एम्पलीट्यूड से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, पल्स के एम्पलीट्यूड को। और शॉर्टनेस ऑफ द पल्स भी हम जो है मैग्नीट्यूड ऑफ द साइन वेव पे डिपेंड करती है। इस तरह के सर्किट को हम क्लीनअप के लिए भी यूज कर सकते हैं कि इनपुट में अगर कोई डिस्टॉर्शन है, ओवरशूट हो रहा है, अंडरशूट हो रहा है, रिंग्स आ रही है, तो हम उसको क्लीनअप करने के लिए भी हम पल्स शेपिंग सर्किट को यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक पल्स शेपिंग सर्किट। इसमें हमने रेजिस्टेंस लिए हैं, चार रेजिस्टेंस दिए हैं। साइन वेव हमारा आउटपुट जो है C1 से हम ले रहे हैं, हमने फिर उसके बाद एम्पलीफायर लगाया और फिर वहां से हम इसमें आउटपुट ले रहे हैं। तो ये जो R और C का कॉम्बिनेशन है, इससे हम जो है पल्स को, जो हमारा ऑसिलेटर की पल्स है, उसको हम यहाँ से शेप देते हैं R और C के कॉम्बिनेशन से। फिर हमने उसके बाद एम्पलीफायर लगाया ताकि हम आउटपुट को एम्पलीफाई कर पाए। तो इस तरह से ये हमारी साइन वेव आती है, साइन वेव आउटपुट है, और उसके बाद साइन वेव को शेप देने के बाद इस तरह से हम पल्स वेव फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, जनरेटिंग अ पल्स वेव फॉर्म फ्रॉम द साइन वेव। फिर इसके बाद आते हैं आपके ब्लॉकिंग ऑसिलेटर, जिनको फेमसली कहा जाता है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर और द मल्टी वाइब्रेटर। एक्चुअली ये वाले जो सर्किट्स होते हैं ये नॉन साइनोसाइडल ऑसिलेटर इनको कहा जाता है। इनका दूसरा नाम है नॉन साइनोसाइडल ऑसिलेटर। मतलब कि हमको चूंकि पल्स और स्क्वायर वेव चाहिए, साइन वेव नहीं चाहिए, तो हम ये इनको यूज करते हैं, इनको हम ब्लॉकिंग ऑसिलेटर कहते हैं। इनमें जनरली क्या होता है, ट्रांजिस्टर यूज होता है। ट्रांजिस्टर की हमको मालूम है दो स्टेट्स होती है, कट ऑफ और द सैचुरेशन। तो ट्रांजिस्टर जो है बिल्कुल हार्ड सैचुरेशन और हार्ड कट ऑफ रीजन में वर्क करता है। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द ब्लॉकिंग ऑसिलेटर। फिर इसमें जो फीडबैक हम देते हैं, फीडबैक भी एक साइकिल के लिए जो है वो ब्लॉक हो जाता है, कुछ समय के लिए जो फीडबैक है वो ब्लॉक हो जाता है और रीजनरेटिव एक्शन जो है वो उसमें स्टॉप हो जाता है। तो उसको हम, इसीलिए हमने इसका नाम, इसलिए इसका नाम पड़ गया है ब्लॉकिंग ऑसिलेटर, है ना। और इसमें एक ट्रांसफॉर्मर भी यूज होता है जो कि 180 डिग्री फेज शिफ्ट हमको देता है। दिस इज द डायग्राम ऑफ ब्लॉकिंग ऑसिलेटर। ब्लॉकिंग ऑसिलेटर जो है एक्चुअली पल्स जनरेटर है। इसमें एक आपका ट्रांसफॉर्मर यूज हुआ है, एक ट्रांजिस्टर यूज हुआ है और एक कैपेसिटर यूज हुआ है। तो इस तरीके से ट्रांजिस्टर जो है वो आपका वन बाय वन एक बार आपका सैचुरेशन में जो है वो चला जाता है, आपका Q1 ट्रांजिस्टर और फिर कट ऑफ में। तो दो मोड में इसमें हम इसको ऑपरेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा फेमस इसमें होते हैं मल्टी वाइब्रेटर। तीन टाइप के मल्टी वाइब्रेटर होते हैं, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को हम फ्री रनिंग भी बोलते हैं। ये कंटिन्यूस पल्स जनरेट करता है, इस टाइप से पल्स जनरेट करता है, इसलिए हमने इसका नाम जो है क्या रखा है, फ्री रनिंग ऑसिलेटर। इसको फ्री रनिंग ऑसिलेटर भी बोलते हैं। मोनोस्टेबल में क्या होता है, जैसे कि इसका नाम है मोनोस्टेबल, मोनो मतलब सिंगल और स्टेबल मतलब है जो जिसमें स्टेबिलिटी हो, यानी इसमें एक स्टेबल स्टेट होती है और एक जो है क्वासी स्टेबल स्टेट होती है। क्वासी स्टेबल स्टेट का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो आपका ये इस टाइप से आपका वेव फॉर्म जनरेट हो रही है, तो सपोज ये आपका स्टेबल स्टेट है और ये आपका क्वासी स्टेबल स्टेट है। तो जो स्टेबल स्टेट है, अगर हम उस स्टेबल स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो हमको एक ट्रिगर पल्स की आवश्यकता होगी। एक ट्रिगर पल्स देंगे तो ये स्टेबल से जो है वो दूसरी स्टेट में चला जाएगा। लेकिन जो ये क्वासी स्टेबल स्टेट है, सपोज दिस इज द क्वासी स्टेबल स्टेट, तो क्वासी स्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट में कुछ समय बाद वो ऑटोमेटिकली स्टेबल स्टेट में चला जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्वासी स्टेबल स्टेट और द मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। फिर जो आपका बाईस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है, आपका बाईस्टेबल
बाईस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में आपकी दो स्टेबल स्टेट होती हैं, टू स्टेबल स्टेट, जैसे कि इसका नाम है बाईस्टेबल, तो एक ये स्टेबल होगा आपका और एक ये स्टेबल। तो अब इसमें स्टेबल, एक स्टेबल स्टेट से दूसरी स्टेबल स्टेट में जाने के लिए इसमें ट्रिगर पल्स हमको देना होती है। तो यहाँ पे जब अपन इसको ट्रिगरिंग देंगे तो फिर ये वाली स्टेट में आएगा, फिर ये इस वाली स्टेट में ही स्टेबल रहेगा, इसी वाली स्टेट में ये कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा जब तक उसको नेक्स्ट ट्रिगर नहीं देंगे। तो दिस इज द थ्री टाइप्स ऑफ मल्टीवाइब्रेटर जो कि कॉमनली यूज होते हैं फॉर द पल्स जनरेशन, अ स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर एंड द बाईस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। ठीक है, इसके अलावा पल्स शेपिंग सर्किट यूज होते हैं जिनमें कि हम साइन वेव एज अ साइन वेव इनपुट लेते हैं, देन उसको अपन शेप करते हैं। थैंक यू।